सत श्री अकाल, तुसी सुन रहे हो न्यूजीलैंड दा नंबर वन पंजाबी रेडियो साडेला रेडियो 87.8 FM। मैं हाँ मनदीप कौर संधु, लेके हाजिर हाँ पंजाब दे नाल संबंधित कुछ खास खबरां। श्रोमणी अकाली दल दे सीनियर लीडर बिक्रम मजीठिया तो बाद हुण कांग्रेसी लीडर ते संसद मैंबर गुरजीत औजला ने वारिस पंजाब दे जथेबंदी दे मुखी अमृतपाल सिंह दे उपर हमला बोलिया। उन्होंने कहा कि अमृतपाल सिंह दी गिरफ्तारी बहुत पहला हो जानी चाहिए है, हुण उसका कारवा बन गया, पर अज नौजवान उसके मगर तुर पे ने। इस तो पहला अकाली लीडर बिक्रम मजीठिया ने भी अमृतपाल सिंह ते खालिस्तान दे मुद्दे ते खुल के गल की सी। उन्होंने कहा कि अमृतपाल सिंह दे सिर उपर पग रोडे पिंड च सजाई गई सी। उन्होंने कहा कि अमृतपाल की दस्तारबंदी हुई सी तो श्रोमणी कमेटी के प्रधान धामी ने पग भेजी सी। औजला ने कहा कि तुसी धामी नूं प्रधान बनाया जिसने अमृतपाल नूं पग भेजी, हुण माहौल खराब हो रहा तो हिंदू याद आ रहे हैं, धामी अपनी मर्जी के नाल अमृतपाल नूं पग नहीं भेज सकता। औजला ने कहा कि श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार की भूमिका ते भी उसने सवाल उठाते हुए आख्या है कि जथेदार के अहुदे नूं अपने सियासी हितों के लिए वरत्या गया है। श्रोमणी कमेटी अमृतपाल के हक च बयान दे रही है। अमृतपाल के बोलन करके हुण सारे लोग साडे बारे बोलन लग पे ने। उन्होंने कहा कि परिवार का एक जी अमृतपाल के खिलाफ बोल रहा, बाकी उसके हक दे विच बोल रहे ने। DRI विभाग के वलों विदेश जा रहे दो भारतीय नागरिकां दे कोलों 1.5 करोड़ रुपए मुल की विदेशी करंसी बरामद की गई है। मिली जानकारी मुताबिक DRI की टीम ने अमृतसर हवाई अड्डे ते भारतीय नागरिकां दे कोलों 1 करोड़ रुपए मुल की विदेशी करंसी बरामद करके उसनू गिरफ्तार किया। इस दे नाल अमृतसर की सूचना के आधार पर चंडीगढ़ हवाई अड्डे तो एक भारतीय नागरिक नू 44 लाख रुपए के मुल की विदेशी करंसी दे नाल काबू किया गया। पंजाब सरकार ने खिडारियों के लिए अहम फैसला किया। भगवंत मान सरकार ने जन्म सर्टिफिकेट की शर्त को खत्म कर दिता। हुण खिडारी की उम्र स्कूल के रिकॉर्ड के आधार पर तय की जाएगी। दस दें कि खेडों दौरान उम्र के विवाद को रोकने लिए पंजाब सरकार ने फैसला लिया कि अक्सर विवाद खड़ा होंगे कि छोटे बच्चों के मुकाबलों के वड्डी उम्र के बच्चे खेड रहे हैं, इसलिए उम्र के विवाद को खत्म करने लिए खिडारी की उम्र स्कूल के रिकॉर्ड के आधार पर ही तय की जाएगी। पंजाब के DGP यादव के दिशा निर्देशों तहत अमृतसर देहाती पुलिस के वलों वख-वख थावां ते छापेमारी की गई। इस दौरान वड्डी संख्या च पुलिस फोर्स ने कई इलाकों च घरों घरी जाके सर्च की। पुलिस की कार्रवाई नूं पूरी तरह गुप्त भी रखा गया। आम आदमी पार्टी ने गुजरात विधानसभा चोणां दे लई अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी करती गई। सूची दे विच सब तो दिलचस्प नाम हरभजन सिंह दा है। हरभजन सिंह इस बार आम आदमी पार्टी लई वोटां मंगदे नजर आउणगे। क्रिकेटर तो राज्यसभा मैंबर बने हरभजन सिंह गुजरात चोणां च अरविंद केजरीवाल की पार्टी लई प्रचार करनगे। दस दईए कि आम आदमी पार्टी पहली बार गुजरात दीआं 188 विधानसभा सीटां ते चोण लड़ रही है। आप दा दावा है कि इस बार सब तो वध सीटां जित रही है। कई लोगों नूं उम्मीद है गुजरात विधानसभा चोणां आप दे लड़न दे नाल तिकोना मुकाबला होवेगा। आजादी गुलाटिया ते शहीदां दे वलों दिखाए गए रस्ते ते चलदे मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगवाई वाली पंजाब सरकार वलों सूबे दे सरकारी स्कूलों के नाम शहीदां ते सुतंत्रता संग्रामियों के नाम ते रखण दा फैसला कीता। जानकारी पंजाब राज दे स्कूल सिक्ख्या मंत्री हरजोत बैंस ने दिती है। उन्होंने कहा कि देश की आजादी संग्राम विच 80% तो ज़्यादा पंजाबियों ने कुर्बानियां दित्तियां ने। इस तों इलावा देश की एकता ते अखंडता नूं बरकरार रखण लई सरहदां दी राखी करदिआं भी वड्डी गिणती च पंजाबियों ने कुर्बानियां दित्तियां ने। बैंस ने कहा है कि पंजाब सरकार वल्लों आजादी के 75वें वरेगंढ के मौके सूबे दे सरकारी स्कूलों के नाम शहीदां ते आजादी घुलाटियां दे नाम ते रखे जाण दा फैसला कीता है। भगवंत मान सरकार वालों सेहत के खेत्र में शुरू विलक्षण पहल आम आदमी क्लीनिक से बीते 4 महीने दौरान 5 लाख तो वध लोगों ने पहुँच की थी। मिली जानकारी मुताबिक सेहत मंत्री जतन सिंह जोड़ामाजरा ने दसा कि सूबे भर च आम आदमी क्लीनिका आम लोगों वालों भरवा हुंगारा मिल रहा है। क्लीनिका से रोजाना ही आने वाले मरीजों का अंकड़ा भी टप गया है। पंजाब से चाइना डोर नाल हाल विच एक वापरे दुखदायक घटना का गंभीर नोटिस लैंदे मुख्यमंत्री भगवंत मान के वलों यह कहा गया कि चाइना डोर की वरतों करने वालों पर कार्रवाई होगी। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर चाइना डोर वेचन और इसकी वरतों करने वालों खिलाफ सख्त कार्रवाई के हुक्म दिए ने। हालांकि दस दें कि एक 13 साल के मासूम बच्चे की चाइना डोर के नाल गला कट्टण नाल मौत हो गई सी, जिस तों बाद अज भगवंत मान सरकार वालों फैसला लिया गया कि जिथे भी चाइना डोर विकती हुई नज़र आई तो तुरंत उसते कार्रवाई की जाएगी।
इंटरनेशनल कबड्डी खिडारी शेरा अठवाल की बीते दिन कनेडा दे विच मौत हो गई सी। कबड्डी खिडारी की अचानक हुई मौत नाल उसके जद्दी पिंड अठवाल जिला गुरदासपुर च सोग की लहर है। उत्थे परिवार के नाल दुख सांझा करन लई इलाके भर के लोग शेर के घर पहुंचे ने। कई प्रशंसक भी पहुंच रहे हैं। हालांकि दस दिने कि शेरा लंबे समय तो कबड्डी खेड रहा है। पूरे भारत तो इलावा उसने कई देशों कबड्डी खेडी है। 2018 तो कनेडा विच पक्के तौर पर रह रहा है। डेढ़ महीना पहला पिंड वापस आया से। 10 दिन पहला ही कनेडा वापस परतिया से और इस ही उसका 18 महीने पहला विआह होया। परिवार ने दसाया कि शेरे के दोस्तों ने फोन करके उसकी मौत की खबर दिती है। हुण उन्हां दी पत्नी मृतक देह लैण लई कनेडा जाएगी, जिस तों बाद उन्हां दे जद्दी पिंड दे विच अंतिम संस्कार किया जाएगा। समाणा पटियाला रोड के पिंड चौहाट नेड़े बीती देर रात एक ट्रैक्टर ते ट्राली ते कार दी टक्कर हो गई। भयानक टक्कर च दो सके भरावां दी मौत होण दा दुखदाई समाचार प्राप्त होया। मेरी जानकारी मुताबक ये नौजवान स्विफ्ट कार च सवार होकर अपने दोस्तों दे नाल फिल्म देख के पटियाला तो घर परत रहा सी। जदों समाणा पटियाला रोड के पिंड चौहाट नेड़े पुजे तो उन्हां दी सड़क ते खड़ी ट्रैक्टर ट्राली नाल टक्कर हो गई। इस दौरान दो नौजवानों की तो मौके पर मौत हो गई ते चार गंभीर जख्मी हो गए ने, जिन्हां नूं हस्पताल दाखल करवाया गया। फिलहाल इस हुण तक दीआं खबरां, नवीआं ते ताज़ा खबरां दी जानकारी दे लई सुनदे रहो न्यूजीलैंड दा नंबर 1 पंजाबी रेडियो। साडे ला रेडियो 87.8 FM। सत श्री अकाल।